हम अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि एलटीटी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके सामने वाली घंटी को दबाएं, जिससे हर न्यूज आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। नमस्कार, एलटीटी न्यूज में आपका स्वागत है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है टीआर रस्तोगी, रिटायर्ड प्रिंसिपल हवलदार अब्दुल हमीद इंटरकॉलेज बाहनपुर, निवासी हरदासपुर का हूँ मैं जी, और एक वरिष्ठ नागरिक हूँ मैं। ये जो वारदात हुई है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? हाँ, मुझे रात को मालूम पड़ा, 12:30 बजे फोन आया कि डॉक्टर साहब मोहम्मद इशाक को पुलिस जो है किवाड़ा तोड़ के ले गई है, और मैंने जो है जानकारी चाही, दिन में भी सुबह गया, संपर्क हुआ, तो ये केवल आताईपुर जो है जानकारी मुझे मिली कि पुलिस ने बर्बरतापूर्वक एक सम्मानजनक व्यक्ति को अपमानित करने के लिए कार्रवाई की, जबकि कोई भी ऐसी नहीं थी, ये मुकदमे खुद वादी है, ना कोई सूचना है, लेकिन आतंक फैलाने के लिए पुलिस ने भले आदमी पर वार किया है। इससे मुझे भी आशंका है और मैं इस बात से संतुष्ट हूँ, और मैं तो कहता हूँ जनता मिलकर इसके खिलाफ कोई कानून कार्रवाई करे। हम धर्मपाल मंत्री, कैबिनेट मंत्री से मिलेंगे और आगे कार्रवाई की मांग करेंगे, और सीओ औला से मुलाकात करेंगे। आपका नाम क्या? मोहम्मद इसहाक। कहाँ के रहने वाले हैं? हरदासपुर के रहने वाले हैं। क्या हुआ था, क्या वाकया आया आपका? वाकया ये हुआ कि पुलिस वाले अचानक आए रात में 12 बजे, और इससे पहले हमें कोई इतला नहीं थी। उन्होंने हमें मरीज बन के उठाना चाहा और हम उन्हें उठे नहीं, दरवाजा नहीं खोला। हमने कहा हम मरीज नहीं देख पाएंगे और हमें तबीयत सही नहीं है, दवा नहीं है, ले जाओ। उन्होंने बहुत कोशिश की, कोशिश करने के बाद जबरदस्ती दरवाजा तोड़ दिया उन्होंने, और दरवाजा तोड़ देने के बाद उन्होंने ये कहा कि तुम्हें ये पता नहीं पुलिस वाले हैं, दरवाजा नहीं खोलते हो, तुम्हारे खिलाफ वारंट है। जबकि वारंट भी कोई ऐसा नहीं था, हम उसमें बाधी थे, हम लुटे थे, राजनी हमारे साथ हुई थी। कितने समय पहले की बात है ये? 11:00 की बात है, उससे बाद में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई किसी तरीके की अदालत से। अचानक ही हम पे, ये 1 महीने पहले पुलिस ने बताया था कि आपके वो कोई संबंध में है, लेकिन बताया कुछ नहीं, बोले हम बता देंगे। उसके बाद दरवाजा तोड़ा और हमको गिरफ्तार करके ले गए, बदतमीजी हमारे साथ जुबानी की, हाथवाई नहीं हुई, और चालान करके हमको भेज दिया सरौली से। चालान के बाद जमानत हुई? हाँ, जमानत जैसे होती है, जमानती बगैर जमानतों के हमको कोर्ट ने छोड़ दिया, कोई जमानती नहीं लिया। कोर्ट ने क्यों छोड़ दिया? कोर्ट ने ये कहा कि ये क्या करते हो, ये सब कुछ नहीं है। हमारे वकीलों ने बहस की तो उसने हमें बगैर जमानतियों के ऐसे ही छोड़ दिया, उसी कागजों पर। 22 तारीख दे दी, 22 तारीख को अब तारीख पे आ जाना हम आंवला। हम अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि एलटीटी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके सामने वाली घंटी को दबाएं, जिससे हर न्यूज आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।